हाय दोस्तों, मैं हुनेजा और हुनेजा वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखा झींगे के साथ गवार की भाजी। ठीक है, ये एक महाराष्ट्र डिश है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर बनाई जाती है। मैं इसे अपने तरीके से जैसे बनाती हूँ, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। सबका तरीका अलग अलग होता है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। पहले कड़ी पत्ता, आलू, दो लाल मिर्च सूखी, थोड़ा सा जीरा, अदरक लहसुन, नमक, सूखा झींगा। देखिए सूखा झींगा, जिसका मैंने आगे से सिर का हिस्सा मैंने तोड़ दिया है, उसे धो के मैंने रखा है। दो टमाटर, एक बड़ा ऑनियन, और मैंने लिया है पाव किलो के लगभग, पाव किलो के आसपास गवार, जो मैंने धो के तोड़ लिया है, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हमारे पास हल्दी है, लाल मसाला है, धनिया पाउडर है और थोड़ा जीरा पाउडर है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम कढ़ाई में, हम इसे कुकर में बनाएंगे। ठीक है, तो कुकर में हम थोड़ा सा पहले ऑयल डाल देंगे। तो हमने गैस ऑन कर लिया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। इसमें हमने तेल डाल दिया है 3 टेबल स्पून। अब हम थोड़ा सा हीट होने देंगे, गर्म होने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता, 4-5 टुकड़े, जीरा आधा टेबल स्पून के हिसाब से, थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे, थोड़ा सा ऑनियन भून जाए तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। किसी किसी को सूखे झींगे की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, तो हम क्या करेंगे, टमाटर डालने से पहले इसको अच्छे से भून लेंगे सूखा झींगा डाल के। सूखा झींगा आपके जितना टेस्ट के हिसाब से डालना है आपको। गैस थोड़ा स्लो कर लें, इसको अच्छे से हिलाए। रोशनी कम आ रही है इस तरह से। अब इसमें टमाटर डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारी सूखी मिर्ची, टेस्ट के हिसाब से नमक। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है। अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया है, मैंने इसे अदरक लहसुन को सिर्फ खींचा है, मैंने इसको पीसा नहीं है। अच्छे से भून लिया जाए इसे, थोड़ा हम थोड़ा सा पानी डाल के ढक के पकाएंगे। इससे पहले हम इसमें जो है आलू भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर, 2-3 मिनट हम इसे रखेंगे अच्छे से भूनने के लिए। इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मैं इसे तेज़ आंच में थोड़ा भून रही हूँ। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे रेड चिली मसाला, अगर आपको तीखा चाहिए तब ज़्यादा डाल कर सकते हैं, और अगर कम चाहिए तो जैसे कि हम आधा चम्मच ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे हैं तो हम कम तीखा खाते हैं। आधा टेबल स्पून हल्दी, धनिया आधा टेबल स्पून, थोड़ा जीरा मसाला, अच्छे से इसको बच्चे को मिलाइए।
इसमें थोड़ा पानी डालिए और फिर ढक के ढक दीजिए थोड़ी देर। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, देखिए अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम गवार ऐड करेंगे, गवार की भाजी। देखिए मैंने गवार मिक्स कर दिया है, अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे कुकर के ढक्कन से ढक देंगे और दो सीटी होने के बाद हम इसे खोलकर देखेंगे कि ये पका है कि नहीं। अगर ये पक गया तो हम इसे सर्व कर सकते हैं और अगर नहीं पका तो हमें एक दो सीटी और देनी होगी। कुकर का ढक्कन लगाने से पहले इसमें थोड़ा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना ये पानी छोड़ देगा थोड़ा सा। अगर आपको ग्रेवी रखना है तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूखा बनाना है तो पानी कम यूज़ कीजिएगा। देखिए मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जो आँच है इसे थोड़ा धीमा ही रखिएगा, हम स्लो पे पकाएंगे। देखिए सीटी हो रही है, ये रही इसकी सीटी। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के बाद खोलेंगे, 10-15 मिनट इसे रहने दीजिए अंदर ताकि अच्छी तरह से पक सके। तो दोस्तों देखिए मेरी गवार और सूखी झींगे की भाजी बन के रेडी हो चुकी है, इस तरह से दिखेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा अपने घर पे और अपने घर वालों को खिलाइएगा और ये रेसिपी जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।